हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे तरबूज का हलवा। उसे बनाने के लिए हमें तरबूज के छिलके लेने हैं। उसमें से जो ग्रीन कलर का जो कड़क पार्ट होता है हम उसे निकाल लेंगे, और जो वाइट सॉफ्ट पार्ट है जिसके अंदर कोई टेस्ट नहीं होता जो हम फेंक देते हैं, हम उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको रेडी करेंगे। इससे आज बनाएंगे हम हलवा। तरबूज का ये पार्ट हम लेंगे एक बड़ा कटोरी या फिर छोटे छोटे दो कप। हम उसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के बारीक पेस्ट बना लेंगे। फिर एक कढ़ाई में हम 3 चम्मच घी लेंगे और उसमें 1 चम्मच एक बड़ा चम्मच सूजी डाल के उसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अच्छी तरीके से पकाए 5 से 7 मिनट। फिर हम उसमें 1 चम्मच बड़ी चम्मच भर के एक बेसन लेंगे। बेसन और सूजी हलवे को बाइंड करने का काम करेंगी, जो कि तरबूज के अंदर नहीं होता है। और एक मीठा मीठा बेसन का धीमा धीमा स्वाद आएगा। ये गोल्डन ब्राउन हो गया, अच्छी तरीके से खुशबू आने लगी, तब मैंने उसमें वाटरमेलन का पल्प डाला। ये पूरी प्रोसेस को 15 मिनट लग गए गोल्डन ब्राउन होने तक के। बेसन और रवा मीडियम फ्लेम पे करें। वाटरमेलन में इतना पानी होता है कि अभी हम उसको लो फ्लेम पे धीरे धीरे करके पूरा जलाएंगे। जब पूरा पानी जल जाएगा वाटरमेलन का, ये इसमें थोड़े से टुकड़े भी रखे वाटरमेलन के, उसके बाद हम इसमें, ये देखो अभी बहुत सारा पानी उसका निकल गया है। जब निकल जाए पानी उसमें, तब हम 3 चम्मच शक्कर डालेंगे, 1 चम्मच रवे का, 1 चम्मच बेसन का और 1 चम्मच वाटरमेलन का। ये सब डालने के बाद हमने उसमें उसको पकाया। अब पानी छोड़ देगी शक्कर, तो अब उसको भी हमको पकाना पड़ेगा। जब हलवा कढ़ाई छोड़ने लगे, तब हम उसमें इलायची पाउडर और बादाम डालेंगे और थोड़ी देर और पकाएंगे। आपको लगे तो इसके अंदर आप थोड़ी सी क्रीम डाल के, मलाई हमारे घर की, या दूध डाल के भी इसको पका सकते हैं, वो और टेस्टी बनेगा। वो ज़रूरी भी नहीं है। अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तैयार है हमारा तरबूज का हलवा। बहुत टेस्टी लगता है और ये समर में तो बनता है, इसलिए इसे ज़रूर ट्राई करें। सर्व करेंगे इसको बादाम से। मैंने सर्व करने के लिए इसकी तरबूज की टोकरी बनाई है, उसके अंदर रख कर हम इसे सर्व करेंगे, तरबूज का हलवा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही टेस्टी हलवा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।